मैं और ये हमारी राष्ट्रकारिणी की और प्रदेश की टीम बैठी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करना पड़ा कि हम लोग चिल्ला बॉर्डर पे भारत के किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए आए थे। हम लोग लाल किले पे या देश में किसी भी प्रकार की उद्दंडता करने नहीं आए थे। भारतीय किसानों भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह, पूजनीय रमेश बाबा जो ब्रज के ब्रज संत हैं, जिनको प्रधानमंत्री जी ने पद्म श्री दिया है, उनका मैं शिष्य हूं, वो मेरे संरक्षक हैं। उनके मेरे लिए आदेश है कि कभी तुम किसी भी काम में विचलित मत होना। इसलिए कल जो हुआ है वो देश के लिए, पूरे विश्व के लिए शर्मसार है। जिन्होंने लाल किले पर दूसरा झंडा फहराया है, मुझे नहीं मालूम किसका है झंडा, वो क्या है झंडा, वो लेकिन है, तिरंगा नहीं है। इसलिए दूसरा झंडा फहराने वालों का भानु प्रताप सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष घोर विरोध और घोर निंदा करता है। जिन लोगों ने मैं किसानों के लिए, पुलिस के लिए और अपने नौनिहाल जो जल सेना, थल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF जितने फोर्स हमको आजाद रखते हैं, हमारे राजनेताओं को आजाद रखते हैं और हमारे भारत को स्वतंत्र रखते हैं, मैं उनके लिए भी मांग करता था कि वो जब शहीद हों तो उनको भी, उनके परिवार को 5 करोड़ रुपया दिए जाए। तो जिन लोगों ने पुलिस पर हमला किया है उनका मैं घोर विरोध और घोर निंदा करता हूं। भारत ने सर क्या निर्णय लिया, मैं बोल रहा हूं। अतः मैं कल की घटना से इतना दुखी हूं और इतना शर्मसार हूं कि अब मेरा मन चिल्ला बॉर्डर से इस समय, समय काल और परिस्थिति के अनुसार मैं आज घोषणा करता हूं कि अपने भारतीय किसान भानु के जो संगठन का यहां धरना चल रहा था लगभग 58 दिनों से, उसको खत्म करता हूं, समाप्त करता हूं। और भारतीय किसान यूनियन भानु अकेला संगठन, ईमानदार महारथियों का संगठन है, हमारे सब कार्यकर्ता ईमानदार हैं। इसलिए देश के किसानों को ये आगाह करना चाहता हूं कि वो भारतीय किसान यूनियन भानु पर विश्वास करें और उनके हित में और उनके संरक्षण में और उनके जो भावना होंगी उनके लिए भारतीय किसान यूनियन हमेशा संघर्षरत रहेगा। और सरकारों से बैठ के, मिल के, बात करके, आंदोलन करके, धरना देकर, प्रदर्शन करके, संविधान के मुताबिक और देश के कानूनों के मुताबिक हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम इस तरह की उद्दंडता को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और न कर रहे हैं। रही बात ये कि जो हमारा किसान है, किसान है वो तो हल चलाता है और उनको कैसे ही बेवकूफ बनाया जा सकता है। कुछ लोगों ने उनको पागल बना दिया। उन किसानों को भी आह्वान करता हूं, एक किसान देवताओं, तुम ऐसे किसी नेता के चक्कर में मत पड़ना जो केवल अपना नाम करने के लिए, अपना वैभव दिखाने के लिए आपको बेवकूफ बनाता है और संविधान विरोधी और देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, उनका आप बहिष्कार कर देना। और आज मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि मैं आज इस धरने को यहां से समाप्त करता हूं। धन्यवाद भानु प्रताप जी। एक सवाल है मेरा जी, आपकी जो छवि रही है अब तक साफ बोलने वाली जी, जो दिल में है वो जबान पर है जी, जिन नेताओं की तरफ आप इशारा कर रहे हैं जी, आप भानु प्रताप कब से घबराने लगे उनका नाम लेने से? सर मैं सुनिए, नाम ले आपका जो मार्गदर्शन है किसानों को जी,
जो आप कह रहे हैं भोले भाले जी, तो आपको उन्हें गाइड करना चाहिए, सारी मीडिया यहाँ पे, कि बताइए कौन वो लोग हैं। ऐसा है, एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, मैं कल भी था यहाँ, सुनिए, चिल्ला बॉर्डर पे कल भी था और यही चिल्ला बॉर्डर पे रहा था। मेरे लोगों ने पुलिस के आदेश और पुलिस के निर्देश के अनुसार काम किया और मैं तो यही चिल्ला बॉर्डर पर रहा था, इसलिए जो मैंने देखा नहीं किसने गड़बड़ की, मैं उनका नाम कैसे ले दूं। अच्छा, जो सुनो, जो मेरे आगे नाम लेता कोई, मेरे आगे करता, तो मैं कतई नहीं घबराने वाला, मैं तो किसी से नहीं घबराता। मैं तो सुनो, मेरा भारतीय किसान भानु, भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है, वो चमक रहा है, वो सारे विश्व को फ्री में प्रकाश देता है। वो भानु की 40 साल से आदत है, स्वभाव है कि मैं अपने किसानों के लिए फ्री में लड़ाई लड़ता हूं और आप सब लोगों का चरण वंदन करता हूं। क्यों भानु जी, दूसरा सवाल है आपसे कि राकेश टिकैत की 2-3 वीडियो वायरल हुई जी, ठीक है, उसमें ये संदेश आ रहा है कि वो किसानों को लाठी डंडे लेकर कह रहे हैं कि वहां पर जी, कल जो अगुवाई करनी थी शुरू में कहा गया था जब ये रैला निकलेगा ट्रैक्टर मार्च, किसान नेता आगे रहे, लेकिन एक भी नेता आगे नहीं था। क्या क्या खामी आप मानते हैं कि किसान यूनियन जो धरने पे बैठी हैं, जो उनके आह्वान पर भोले वाले किसान आ रहे हैं, एक किसान की दावा किया जा रहा है मौत भी हो गई, तो क्या कमियां मानते हैं कि क्या कमी रही कल के ट्रैक्टर मार्च में, जो आप जैसे इंसान को आज धरना उठाना पड़ रहा है? ऐसा है, ऐसा है नेताओं की, सर ऐसा है, मुझे हारून भाई, मुझे, मैं अपनी योग्यता और अपने अनुभवों पे पूर्ण रूपेण विश्वास है कि मैंने न गलत किया न गलत करूंगा। और कौन क्या कर रहा है, ठीक है बाबा, कौन क्या कर रहा है, किस तरह से बेवकूफ बना रहा है किसानों को, कौन बना रहा है, क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है, इसके बारे में कोई मैं न तो जानकारी रखता हूं और न जानकारी की मुझे कोई जरूरत है। मैं सत्यवादी हूं, सत्य बोलता हूं, सत्य कहता हूं, जो आंखों से देखता हूं वो करता हूं। लेकिन मैंने तो ये सब तमाम टीवियों में, तमाम चैनलों में जो चल रहा है कि विश्व तक, दूसरे मेरे अमेरिका में है राधा जीवन पोद्दार, वो फोन कर रहे हैं, वो बाबा के शिष्य हैं, रमेश बाबा के, रमेश बाबा का मैं भी चेला हूं। रमेश बाबा ने 11 में उनको मेरे साथ भेजा था यहाँ जंतर मंतर पे, फिर 13 में भेजा था, फिर 15 में भी भेजा था, तो मेरे लिए वो फोन कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है किसानों का उद्दंडता। मैं नहीं कर रहा, कहते तो तुम अपना धरना हटाओ, रमेश बाबा कह रहे तुम धरना हटाओ और तुम लड़ाई फिर लड़ना, लेकिन केवल भारतीय किसान भानु का नेतृत्व करना और भारतीय किसान भानु से ही लड़ाई लड़ना। तू जानता नहीं तेरी ताकत क्या है, तेरी ताकत तू सूर्य है, तू किसी के साथ मिलकर, किसी बेईमान के साथ मिलकर कभी लड़ाई मत लड़ना। तो सर अगली सूर्य की किरण की तरफ जाएंगे या रात्रि भोजन के बाद प्रस्थान करेंगे? ऐसा है, ये था है प्रस्थान, तो तुम समझ लो प्रस्थान नहीं है। अब जब प्रस्थान कर जाए हमारे लोग, प्रस्थान तो प्रस्थान ही समझो, अब विलंब के कारण की जाए और तुरंत कपिल को जाने की आयुष दी जाए। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हो। आगे किसानों की लड़ाई जारी रहेगी, भारतीय किसान, सुनिए, तीनों कृषि कानून पे लड़ाई जारी रहेगी। कैसी लड़ाई जारी रहेगी, कैसे रहती है, कैसे तरीका, एक बात बताइए, 1.5 साल, सुनिए, एक मिनट, 1.5 साल की तो माननीय कृषि मंत्री ये कह चुके हैं अपने आप कि हम कानून लागू नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उनसे, लेकिन अभी नहीं, पहले हम यहाँ से धरना हटाएंगे और पहले हम क्लियर कह रहे हैं, पहले हम ईमानदार और देश के हितकारी और संविधान के हितकारी नेता और किसान भानु, ये सारे लोग, ये हैं बेगराज गुजर राष्ट्रीय महासचिव, ये हैं BEC प्रधान प्रदेश महासचिव, और ये हैं राष्ट्रीय महासचिव प्रदेश प्रवक्ता, ये हैं अजब सिंह कसाना, ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ये हैं धीरेंद्र प्रताप सिंह युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये